छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को लेकर सियासत जारी है। आरक्षण विधेयक को लेकर जहां एक ओर बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस सरकार विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने पर बीजेपी पर हमला कर रही है। आरक्षण विधेयक को लेकर अब सर्व आदिवासी समाज ने भी अपना आक्रोश दिखाया और राजभवन का घेराव किया। प्रदेश में आरक्षण विधेयक को लेकर हो रहे सियासी बवाल को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, यदि उसी पर अड़े हुए हैं तो हम जवाब भेज देंगे। भेजने में कितना देर लगता है? जवाब भेज दिया गया है, हालांकि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। फिर जवाब भेजा जाएगा, फिर मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा। कुल मिला के राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना। राज्यपाल किसी समाज किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर छिड़ी रार ने राज्यपाल और राजभवन को निशाने पर ला दिया है। 2 दिसंबर को आरक्षण का नया विधेयक सरकार ने पास किया और अब 25 दिन बाद भी यह विधेयक पारित नहीं हुआ है, तो आरक्षण को लेकर राजभवन सवालों के घेरे में आ गया है। आदिवासी संगठन जहां इस मुद्दे पर राजभवन पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने राजभवन को लेकर मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजभवन के विधिक सलाहकार को भाजपा कार्यालय से संबंधित होने का आरोप लगाकर मामले को और बढ़ा दिया है। ये जो विधिक सलाहकार है वो कौन है? ये विधिक सलाहकार एकाध परिसर में बैठते हैं और राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते हस्ताक्षर नहीं कर रही। इधर मामले में आदिवासी समाज भी राजभवन के खिलाफ सड़कों पर उतर गया है। 3 दिन के अल्टीमेटम के बाद भी जब राजभवन ने विधेयक को मंजूरी नहीं दी है, तो आज आदिवासी समाज का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। राजभवन घेरने के लिए निकले आदिवासी समाज ने राज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं आदिवासी समाज का एक धड़ा राज्यपाल के पक्ष में भी नजर आया। अब की जो लड़ाई होगी आर पार की लड़ाई होगी, जिसमें हमारे ओबीसी भाई भी हमारे साथ देंगे। और अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो 32% हमारे आदिवासी हैं और 43% हमारे ओबीसी हैं। तो इतने बड़े तादाद के लोग जब निकलेंगे सड़कों पे तो क्या हाल होगा वो हम दिखा देंगे। ऐसे में जब राज्यपाल के ऊपर कई तरीके के आरोप लग रहे हैं, इस पर क्या कहना है? क्या आप लोगों को लगता है सही है आरोप? भाई अपनी ड्यूटी कर रही तो आरोप लगाने वाले तो या तो फिर संविधान को समझ लो, संविधान को समझ लो तो उस दिन आप आरोप भी नहीं लगाओगे ना। इधर कांग्रेस और आदिवासी समाज का निशाना राजभवन की ओर है, वहीं भाजपा पर भी आरोपों के छींटे लग रहे हैं। ऐसे में भाजपा बचाव की मुद्रा में है और भाजपा ने राजभवन पर इल्जाम को गलत कहा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कल कोई कोर्ट में जाए और कोर्ट में जाने के बाद में क्या स्थिति बनेगी, इसको स्पष्ट करना इस सरकार का काम है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने उनको भेजा था। और भेजने के बाद में चाहे ओबीसी का हो, चाहे आपका जनजाति का हो, जो वंचित हुए हैं इसका कोई दोषी है तो ये सरकार दोषी है कांग्रेस की। प्रदेश में नए विधेयक के अनुसार आरक्षण का दायरा करीब 76% हो जाएगा, लेकिन यह 50% की सीमा से अधिक है और इसलिए राजभवन के द्वारा मांगे गए सवाल जवाब में आरक्षण अधर पर लटका हुआ है। ऐसे में राजनीतिक बयानों ने अब राजभवन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24।